मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि इस प्रकार महान दिव्य रथ में जो अनेकाविध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर श्री ब्रह्मा ने उसे भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो श्री विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वरों की प्रार्थना करके श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और श्री ब्रह्मा वह भगवान विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं ने गान उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर भगवान शिव चढ़ ही रहे थे। वेद सम्मत भूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग भगवान शिव का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांपने लगे। उसी क्षण भगवान रणधीर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ हो महेश के उत्तम तेज को न सह कर पाए, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की आज्ञा से हाथों में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदनंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उत्तम रथ में बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश से तीनों पुरों को लक्ष्य करने के लिए आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठ हो यदि तुम देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करेंगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवादि देव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तत्व के प्रति शशांकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भावों को समझकर देवादि देव अंबिका पति शंभु करुणाद्र हो गए। फिर वे हंसकर बोले, उन देवताओं से इस प्रकार बोले, श्री शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठो पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा, मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुरश्रेष्ठ हो तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे सभी निसंदेह पशु तत्व से मुक्त हो जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए 12 वर्ष तक 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेंगे अथवा कराएंगे वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं तुम लोग भी इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे, उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संचय नहीं है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति नाम यहाँ विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला, उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा अनन्य प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था
उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों में सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर जो सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए जा रहे हैं, जिस समय देवादि देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी वीर प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशाल काय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हाल शाल मुसल सुषुम्पिंड और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी घोड़े सिंह रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे उन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे वे इंद्र श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु आदि देवता शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। तभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर भगवान शंकर के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं जो कुछ वर्णन करता हूँ योगिन समस्त गण राज्यों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश विगतवास महाकेश महाज्वर सोमवल्ली सवर्ण सोपम सनक सोमध्रक सूर्यवाचर्य सूर्यप्रेक्षणक सूर्याक्ष सूरिनामा सुरसुंदर प्रस्कंद कुंदर चंड कंपन अतिकंपन इंद्र इंद्रजय यंता हिमकर शताक्ष पंचाक्ष सहस्त्राक्ष महोदर सतीजाहु सातश्य रंक कारपूर पूतन द्विशिख त्रिविशिख अहंकार कारण अजरवक्र अष्टवक्र हस्यवक्र अर्धवक्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीरगणगणा अध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। श्री व्यास जी तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हुए। उन सुरद्रोहियों के लिए तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उदत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रतिमता चढ़ाई। उस पर उत्तम बाण का साधन करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि से दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर श्री गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिसे वे तीनों पुर त्रिकूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन पाए तथा धनुष बाण धारी मृत्युंजय केश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ईश्वरीयशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। तब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई। तब वे प्रसन्न हो गए। तब वे भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महाधनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोरूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र पार ब्रह्मा सगुण निर्गुण सबके द्वारा आलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपास्य और परातत्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य, उनका कोई उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पार ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती। उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवादि देव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो जाता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए।
उन तीनों पुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम स्त्री अष्टमूर्तिधारी भगवान शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय श्री ब्रह्मा और श्री जगदीश्वर भगवान विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक पुत्र, उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ ही गया विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए। अतः देवेश, अब तक ये त्रिपुर वन विलंग हो उनके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने, तदनंतर भगवान शिव ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपास्त्र नामक बाण का संघान किया और वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्साह सिंह नाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महाशरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान ज्वालमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्य को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ उनसे कहने लगा, तारकाक्ष बोला, भाव आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है कि सत्य के प्रभाव से आप फिर तब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए आप प्राय है वह आपके हाथ से मारण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, जो वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। श्री व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया क्योंकि वह देवों का विरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्धक था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहा। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव आभाव तथा कृत आकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता वे विनाश से बचे रहते हैं, इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि निवेदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्राहित कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उस समय जो भी दैत्य बंधु बांधवों सहित भगवान शिव की पूजा में तत्पर थे वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। अध्याय 9-10। देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का भगवान शंकर के समीप आना और उनसे वर याचना करना। भगवान शंकर से वर पाकर मैं का विताल लोक में जाना। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए, त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया? मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा अध्यक्षों की क्या दशा हुई? यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने,
श्री व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा के पुत्र भगवान श्री सनत कुमार जी भगवान शंकर के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शंकर के महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिनके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री माँ पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को देखकर भयभीत खड़े होकर ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से भगवान शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा भी भगवान शंकर के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए श्री विष्णु तथा देवताओं के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, भक्तों के अधीन और त्रिपुरहंता हैं, स्तवन किया। तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। जो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मा और हे विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः है तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित मर मांग लो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवादिदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट कहा था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो भगवान शंकर की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह भगवान शंकर के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उसे उठाकर भगवान शिव की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित से उनकी स्तुति करने लगा। द्विजश्रेष्ठ, मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव बड़े प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उनसे बोले। भगवान शंकर ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांग लो। इस समय जो भी कुछ तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु जी के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ, मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उस प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं, तो अपनी सशस्वती शक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे, अनन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं, महेश्वर कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो, नाथ निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, भगवान शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है,
तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः है तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितलोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझे आसुर भाव का प्रकाट्य नहीं होगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अनन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितलोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। सब परिवार समेत भगवान शंकर अंतरहित हो गए। तब वह धनुष बाण और रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा अनन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी भगवान शंकर के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि इस प्रकार मैंने शशिमौली भगवान शंकर का विशाल चरित्र जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। अध्याय 11 व 12 दंभ की तपस्या और श्री विष्णु द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म तप और उसे वर प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उनके साथ वार्तालाप। श्री ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक सुनो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो वेदों के लिए कष्ट घट का स्वरूप था। उसे भगवान शंकर ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील धार्मिक सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। राजा दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने उस दनु के प्रभाव से महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ जो विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उनका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय धार्मिक था, विष्णु भक्त था। जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसके 100,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालमय तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्साह था कि उसे संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बनाकर भगवान ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी यह बात सुनकर भगवान ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत श्री विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के आधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा
भगवान विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं है यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे, यह आप ही बतलाइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, श्री विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो, कोई उलट पलट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है, यह तो दंभ नामक दानव का तेज है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यो कहने पर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही, वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब श्री विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला, दम्ब ने कहा, देवादि देव, कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त था, महान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यो कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था, अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह उसके तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्नि जो सुदामा नामक लोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मनुष्यों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। अपने समस्त कुटुंबियों को तो वह विशेष रूप से प्रेम करने लगा था। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जोगीशितव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करता हुआ दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली श्री ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने श्री ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर श्री ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या
तुलसी काम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर श्री ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिनके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और श्री ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्री आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था, वह उत्तमशील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उनसे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति श्री ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विष्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी, इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने कहा, जगत में जितनी पवित्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी कामराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, अथवा तुमने कभी भी मेरा नाम नहीं सुना? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दानु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा आपावान बना रहता है। देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जननाशोच तथा मरणाशोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शूद्र हो जाता है, तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिताह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं होती। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते, तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके यो सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने उसके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वरण करे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार तुलसी यो वार्तालाप कर रही थी
उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणि ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न रूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी होगा। फिर तुलसी की ओर से लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की परीक्षा ले रही है, यह तो देवताओं असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थान पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर, शरीरांत होने पर यह पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर भी तू वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणि ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके अपने माता पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। अध्याय 13। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीने जाना, देवों का भगवान ब्रह्मा की शरण में जाना, श्री ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाना, भगवान विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन कर और फिर सबका भगवान शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उनके निकट आए और विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उनका स्तवन करने लगे। फिर उन्हें अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उनके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उसकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों का तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिरक्ति होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन ना कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा। वह स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को हड़प करने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भूनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव डाल नहीं पाती थी। यों सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धन्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम फल, फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणि की खदानें थी।
समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में स्वादु नीर बहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था। उस समय कोई भी दुखी नहीं था, केवल देवता भ्रात दोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व पापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदनंतर जो पराजित होकर अपने राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके श्री ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों का अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर अकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब श्री ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बांधकर उन्हें सातले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वन माला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पग्गा धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था। सनकादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी श्री विष्णु की झांकी करके भगवान ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे।